वेलकम टू सी एल सी जुडिशियल। यह वीडियो के मार्फत से मैं एक बहुत ही बड़ी सूचना आप लोगों को देना चाहता। वैसे तो आप देखेंगे हर तरफ ये बातें कि बिहार एपीओ की वैकेंसी अब आने वाली है, तब आने वाली है, कोई कंक्रीट जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोग जो जानकारी आपको दे रहे हैं, एक आरटीआई लगाया गया था, ये देखिए आरटीआई मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिहार सरकार गृह विभाग अभियोजन निदेशालय, कुछ चीजें ब्लैक कर दी गई हैं। पार्ट थ्री में पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ, और ये पार्ट थ्री जो है आपके स्क्रीन पे, कंडिका 043 के आलोक में मांगी गई सूचना के संबंध में कहना है कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी के कुल 256 पद रिक्त हैं। रूबी कुमारी सहायक निदेशक लोक सूचना पदाधिकारी अभियोजन निदेशालय बिहार पटना। तो इसको देखने के बाद मतलब ये मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन पे किंतु परंतु नहीं हो सकता। और 256 सीटें इन्होंने कहा है, अब सिर्फ औपचारिकताएं रह गई हैं। सरकार का अब काम रह गया है अनाउंस करना, बीपीएससी के द्वारा अनाउंस करना। तो हम लोग भी लोकतांत्रिक जनतांत्रिक तरीके से बीपीएससी से अब जब सारी चीजें हो गई, वैकेंसी बस सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी रह गया है, तो जल्द से जल्द भाई इसे अनाउंस करें। बच्चे लोग बहुत मायूस हैं, और इस वीडियो के मार्फत से मैं भी अपील करता हूँ बीपीएससी के द्वारा कि वैकेंसी को जल्द से जल्द अनाउंस करें। बच्चे लोगों में एक नया सा जोश पढ़ने का, अभी बच्चे लोग पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि वैकेंसी अभी आई नहीं है। मैं इस वीडियो में बहुत सारी तमाम चीजें आपसे शेयर करूंगा। आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए सारी चीजें एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोगों का जो पिछला रिजल्ट हुआ था इससे पहले का, तो टोटल 66 सिलेक्शन हुए थे। ये देखिए मस्तन रैंक 2 है, उजमा रैंक 13 है, शिवानी रैंक 17 है, संतोष रैंक 30 है, नेविका रैंक 38 है। ये सारे जनरल कैटेगरी, आकर्षित रैंक 56, विवेक सिंह रैंक 62, मुनसर रैंक 70। तो हम लोगों ने 5-5 स्टूडेंट का वीडियो अपलोड किया है, इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ, वीडियो फुटेज के साथ। तो इसलिए अपलोड किया कि ऑथेंटिक जानकारी दे सके। आजकल का तो आप देख ही रहे हैं इन पोस्टरों की क्या अहमियत है। हमारा एक एक रिजल्ट जेन्युइन है, इसकी वीडियो डिटेल में सारे डॉक्यूमेंट के साथ यूट्यूब पे पोस्टेड है। हमारा यूट्यूब का एक चैनल है सीएलसी जुडिशियल, उस चैनल का प्लेलिस्ट का नाम है सीएलसी का जादू चल गया। हर आई बटन में वो उसका लिंक रहता है, हर वीडियो में सीएलसी का जादू चल गया। आप उस पर क्लिक करके आप देखेंगे, अगर आपको रिकॉर्ड देखना 6 से 10 स्टूडेंट का, तो आप 1 से 5 तक फर्स्ट पार्ट में, 6 से 10 सेकेंड, 11 से 15 थर्ड पार्ट, ऐसे इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये 66 स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम लोगों के पास है अवेलेबल, कंप्यूटर फॉर्मेट वगैरह और वो कुछ रिकॉर्ड डिलीट हो गया। हम लोगों का एक्चुअल रिजल्ट 101 स्टूडेंट थे, उसमें से 84 तक फिगर जा रहा है, लेकिन हम लोग एक्चुअल रिजल्ट को क्लेम इसलिए नहीं करते कि हमारे पास रिकॉर्ड जैसे 66 के मौजूद हैं,
वैसे उनके रिकॉर्ड डिलीट हो गए फॉर्मेटिंग और के कारण दुर्भाग्यवश। तो चलिए 66 सिलेक्शन ही सही हुए हैं हमारे यहाँ से, और अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। सबसे अहम सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि बिहार एपीओ 2024 जो अनाउंस होने वाली है, इसमें हम नए वाला आईपीसी पढ़ें या पुराना वाला पढ़ें, आप खुद तय कीजिए। नया वाला आईपीसी लागू हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य संहिता, तो जब ये लागू हो गया है तो स्वाभाविक है कि एग्जाम नए वाले से होना चाहिए। अब नए वाले से होना चाहिए तो आपको पैनिक बटन नहीं दबाना है, आपको मायूस नहीं होना है, आप हौसला रखिए। नए वाले से भी जो एग्जाम होगा, आप देखिए हम लोगों का बहुत सारा मटेरियल हम लोगों ने बनाया था, बहुत सारे स्टडी मटेरियल, प्रोफेशनल आंसर, बहुत सारी चीजें थी। तो हम लोगों की तो छोड़िए, सैकड़ों साल का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जो चीजें हमें फिंगर टिप्स पे याद थी वो सारी की सारी चीजें अब हम लोगों के लिए किसी काम की नहीं रही, अब नए सिरे से करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा, आप कोई भी डिसीजन लें, मैं ही कोई डिसीजन लेता हूँ तो उसके कुछ पॉजिटिव पक्ष भी हो सकते हैं, निगेटिव पक्ष भी हो सकते हैं। नए वाले क्रिमिनल लॉ के कुछ पॉजिटिव पक्ष हैं, डिजिटाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को थोड़ी अहमियत दी गई है, साथ में पुल, तो ये प्लस पॉइंट है, वेलकम करना चाहिए। आपका जो पुलिस का पावर थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो पुलिस का जब भी आप पावर बढ़ाएंगे तो आर्टिकल 21 का वायोलेशन होगा, तो ये सारी कुछ ड्रॉबैक हैं। क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, आप सोशल मीडिया पे बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, कर रहे हैं, मैं किसी भी तरह का पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहूंगा, दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं सिर्फ एकेडमिक कमेंट्स की बात करूंगा। तो देखिए ये जो हमारे यहाँ 66 रिजल्ट हुए, ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आप देखिए सुमी जादव इनका रैंक 85 जनरल कैटेगरी, कार्तिकेश एवं जनरल कैटेगरी रैंक 93, नंदिनी रैंक 94 जनरल, अभिनंदन मिश्रा रैंक 142 जनरल, कुणाल किशोर रैंक 3 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आपका सुरजीत कुमार सिंह रैंक 139 जनरल, पूजा शर्मा रैंक 153 जनरल कैटेगरी, हिना अग्रवाल 162 जनरल कैटेगरी, अनिल कुमार 199 जनरल, मंटू कुमार रैंक 17 इनका बीसी कैटेगरी में आया, उसके बाद नवीन कुमार रैंक 29, अमृतानंद रैंक 40, विजयंत कुमार रैंक 42, ब्रिजभूषण तिवारी रैंक 43, रजनीश कुमार रैंक 21 ईबीसी कैटेगरी, निधि कुमारी रैंक 12 ईबीसी, सबका कैटेगरी वाइज रोल नंबर भी लिखा हुआ है। अमरेश कुमार दीपक रैंक 4, अमित पॉल रैंक 40, बबलू कुमार रैंक 64, सारी जानकारी लिखी हुई है कैटेगरी कौन क्या है इनकी। तो वैश अंसारी रैंक 39 ईबीसी कैटेगरी, आप आगे देखेंगे सन्नी कुमार रैंक 31, श्रेयस मिश्रा रैंक 52, अंजलि कुमारी, ये कुछ फोटो वगैरह हमारे यहाँ साफ नहीं, इमेज लगाने पे फट जाती थी, और कुछ जिन्होंने बनाया उनसे कुछ मिस्टेक वगैरह, जल्दबाजी में हमने ये वीडियो शूट किया है। कुमार मंगलम, ऐसे देखिए सब हर स्टूडेंट के रैंक रोल नंबर लिखे हुए हैं, इन सबों के तमाम रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। सुनील कुमार रैंक 58, कुमार सौरभ रैंक 65, कुमार अजीत राज रैंक 66, रोशन कुमार रैंक 39, नियाज अहमद रैंक 50, राम प्रकाश कुमार रैंक 8 आया बीसी कैटेगरी में, रंजना कुमारी रैंक 82, अंजलि मेहरा रैंक 83, पवन कुमार रैंक 39, सीमानंद
रैंक 57, आप आगे देखेंगे रैंक 5 आया है पवन कुमार का, सृष्टि कुमारी रैंक 21, राकेश कुमार रैंक 33, सकम्बरी सुमन रैंक 80, भानु कुमारी रैंक 68, चांदनी मुस्कान 18, कुमारी रेमी सिन्हा रैंक 10, पुष्पलता कुमारी रैंक 7, प्रतिभा सिंह रैंक 10, पूनम तिवारी रैंक 195। तो इस तरीके से एक और हम लोगों का जो है वो रह गया है यहाँ पे, और जस्ट वो किसी दूसरे फाइल फोल्डर में है, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। ये तो 60 ही स्टूडेंट हुए, 6 का और रह गया है। देखिए ये 7वां पोस्टर जो है हम लोगों का, ये 6 स्टूडेंट का है, ये मिल गया। शिवांशु शेखर गौतम रैंक 44, राकेश प्रसाद रैंक 63, अमृत कुमार दीपक रैंक 25, रितिका आनंद रैंक 81, पिजा 74, शिखा कुमारी रैंक 73। तो एक बार हम अपने सक्सेसफुल स्टूडेंट को एक बार फिर से बधाई दें। जीवन में हमेशा कामयाबी की सीढ़ियां ये आगे को तय करते चलें, इन्हें ढेर सारा प्यार एवं ढेर सारा आशीर्वाद। आप लोगों को यह इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप लोग एक प्रेरणा लें, आप भी इनकी तरह कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि ये देखिए, जब ये बिहार एपीओ 2023-2022 उसे भी पहले की वैकेंसी थी, मुझे निकाल के ईयर देखना पड़ेगा। हम लोगों ने इस वैकेंसी में पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया था, एक रुपया का भी चार्ज नहीं लिया था उस समय। उस हम लोगों के पास उतनी तैयारी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हम लोगों के पास डीटीएस तक नहीं था, डेली टेस्ट सीरीज। आज डीटीएस है, डीटीएस के क्वेश्चन पे मेंस आंसर राइटिंग का एक स्पेशल सीरीज है। आप में से अगर कोई झारखंड का मेंस देता या आरजेएस का पीटी आपने दिया, रिजल्ट जल्दी आने वाला है उसका, तो आपके लिए वो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। उसमें डीटीएस में हर रोज 6 क्वेश्चन पूछे जाते, 2 क्वेश्चन पीटी का, 2 क्वेश्चन मेंस का और 2 क्वेश्चन इंटरव्यू का। आप क्वेश्चन के लेवल को देखिए डीटीएस का, हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल और स्टैंडर्ड कैसा है। आप अगर डीटीएस हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अगर डीटीएस से जुड़ना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और डीटीएस लिख के हमें जरूर भेजें। आपको डीटीएस के फ्री ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। डीटीएस 10-11 बजे वीक में 5 डेज पोस्ट हो जाता है, शाम को यूट्यूब वीडियो के जरिए उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। आज शाम की हमारे क्लासेज कुछ टेक्निकल इशू से नहीं हो पाई, तो डीटीएस कल नहीं परसों से आना शुरू हो जाएगा आपका। तो आप डीटीएस, जब ये बिहार एपीओ का बैच शुरू हुआ था उस समय डीटीएस नहीं था, एसटीएस नहीं था हम लोगों के पास, हम लोगों के पास डब्ल्यूटीएस नहीं थे, वीकली टेस्ट सीरीज, हम लोगों के पास मंथली टेस्ट सीरीज नहीं था। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अगर नया एक्ट आया है तो आप इसे निराश और मायूस मत होइए, आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, उनके मटेरियल दिए जाएंगे, एमसीक्यू दिए जाएंगे। हम लोगों ने आज की डेट में 50,000 से ज्यादा एमसीक्यू और सारे के सारे एमसीक्यू कंसेप्चुअल हैं। ये आपके लिए घबराइएगा मत, आपके लिए जो रेलिवेंट सिलेबस के, इसमें और भी जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के भी क्वेश्चन है, कंपनी लॉ के भी हैं, सेल ऑफ गुड्स के भी हैं क्वेश्चन, ये सारा मिला के है। तो आपके सिलेबस को देखा जाए तो आपका काम 10,000 एमसीक्यू में चल जाएगा, थोड़े बहुत 2-4 हजार आगे पीछे हो सकते हैं। हम लोगों ने पूरे सिलेबस को एमसीक्यू में डिवाइड कर दिया है और वो हम लोग इस बार उसका पीडीएफ वगैरह, सॉल्यूशन वगैरह, बहुत सारी चीज हम लोगों ने प्लान इस बार कर रहे हैं। बहुत जल्द फ्रेश बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी
हम कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर आप ऑन रखिएगा ताकि वीडियो आपको बेरोक टोक मिलती रहे। तो कहने का मतलब कि इस बार हम लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है बिहार एपीओ 2024 के लिए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे टेस्ट सीरीज हम लोगों के पास हैं। हम लोग एक और भी स्कीम पे विचार कर रहे हैं, मान लीजिए कि हर किसी का रिजल्ट, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे किसी न किसी कारण उनका रिजल्ट नहीं हुआ, तो अगर उनका रिजल्ट नहीं हुआ किसी कारण से, हमारे यहाँ उन्होंने पढ़ाई किया, रेगुलर थे, टेस्ट रेगुलर दिया उन्होंने, तो उन जो भी उन्होंने हमें पेमेंट किया है वो माइनस करके उनको हम किसी दूसरे बैच में फाउंडेशन कोर्स या जो भी बैच वो कहेंगे उसमें उनका अमाउंट हम माइनस कर देंगे, जो थोड़ा बहुत बनेगा वो हिसाब किताब कर लेंगे। यह स्टूडेंट फ्रेंडली कि अगर इनकेस आपका रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा विश्वास है हम अगर आपसे चार्ज करते हैं तो हमें रिजल्ट देना, रिजल्ट देने के लिए आपको भी रेगुलर पंक्चुअल होना पड़ेगा, आप रेगुलर पंक्चुअल रहिए, हमारे सारे टेस्ट सीरीज को टाइमली फॉलो करते रहिए, याद करते रहिए, जवाब देते रहिए, अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते रहिए, क्लासेज मिस मत कीजिए। हमारा तो ऑनलाइन मोड है, आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो आप वहां से भी क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, आपको पटना आने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देते हैं आपको, लाइव क्लास हुआ अगर क्लास आप मिस कर गए तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी हमने आपको। तो इस बार बहुत सारी तमाम फैसिलिटीज के साथ हम लोग इसे फ्रेश बैच बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। अब थोड़ा सा एपीओ वैकेंसी के बारे में बात कर लें हम लोग, वैकेंसी तो ऑफिशियली जब सूचना के अधिकार से दे रहे हैं तो ऑफिशियली यही होना है, इसे यह कितना ऑथेंटिक माना जाए कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, मतलब तमाम साक्ष्यों के साथ है। वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो सकता तो आप आज से ही अभी से अपनी किताबें खोल लीजिए, वो जमाने गुजर गए कि वैकेंसी आता था तब आप किताबें खोलते थे, वैकेंसी अगर जल्दी अनाउंस हो जाएगी तो फिर आपकी तैयारी रह जाएगी, पेपर फिर आप बाहर होने का चांस रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप एक दिन भी थोड़ा भी समय मत बर्बाद कीजिए, आपके सामने साक्ष्य हमने दिखा दिया, सबूत सारा दिखा दिया, तो आज ही आप अपनी किताबें खोल लें, अपने दोस्तों को भी बताएं, सबको बताएं। और हम लोग जो इस बार करने जा रहे हैं वो तमाम टेस्ट सीरीज के साथ, आप देखिए पहले एक जमाना था कि सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे, अगर आप लोगों ने हाल फिलहाल विगत 2-3 सालों में कोई अगर एग्जाम दिया होगा तो आपको पता ही होगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन मोर एंड मोर हर एग्जाम में बढ़ते जा रहे हैं, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन की आप तैयारी करें, हमारे पास 50,000 के आसपास अभी फिलहाल हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे, हर रोज फ्रेम हो रहे हैं, हमने सिलेबस का कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जिसे हमने कवर नहीं किया, सारे पोर्शंस को कवर किए हैं, हमारे एसटीएस सुपर टेस्ट सीरीज जो खासकर पीटी के लिए बना उससे बाहर उम्मीद है कि कोई पिछले एग्जाम में सभी क्वेश्चन उसी से ही थे, तो चूंकि पूरा सिलेबस ही कवर कर दिया तो क्वेश्चन होगा कहाँ से, तो इन तमाम चीजों के साथ आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्द हम लोग एक फ्रेश बैच स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, इस बार चार्ज रखा जाएगा और हम लोगों का चार्ज तो वैसे भी इतनी सारी तमाम फैसिलिटीज आपको दी जा रही है, फैसिलिटीज टीचिंग की क्वालिटी और स्टैंडर्ड, हमारे टीचिंग की क्वालिटी और हमारा स्टैंडर्ड वो हमारे रिजल्ट से पता लगता है, ये आपको अभी दिखाया गया 66 रिजल्ट, ये और तमाम सबूतों के साथ YouTube पे वीडियो फुटेज है स्टूडेंट्स की,
स्टूडेंट भी कैंडिडेट भी इस रिजल्ट को मना नहीं कर सकते। तो हमारे एक एक जेन्युइन रिजल्ट हैं, इन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। और आज के जमाने में आप देखेंगे कोचिंग वालों की एक निगेटिव छवि बनती जा रही है। हम लोग चाहते हैं कि भाई ये जो निगेटिव छवि जो बनते जा रही है इसे थोड़ा ठीक किया जाए, लोगों का भरोसा विश्वास हम जीत सकें, अपने स्टूडेंट्स के सपने को पूरा कर सकें, खूब मेहनत करें, अपने बच्चे को भी प्रमोट करें, मोटिवेट करें, वो भी खूब मेहनत करें, उनका सपना साकार हो, उनका भविष्य अच्छा हो। यह एक छोटा सा संकल्प है हम लोगों का। आप अपने सुझाव और कमेंट हमें दे सकते हैं। तो और अब सबसे कुछ अहम चीजें, बच्चे लोग बहुत घबरा रहे हैं कि सर नए वाला तो पढ़ा ही नहीं। उम्मीद है कि एग्जाम अब आपका नए वाले सिलेबस से, नए वाले क्रिमिनल लॉ से ही होगा, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक ये सारी चीजें, ज्यादातर उम्मीद है आप कि नए वाले से ही होना चाहिए। अब नया एक्ट लागू हो गया, एक्ट लागू होने के बाद नोटिफिकेशन आ रहा, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपका जो भी एग्जाम होगा अब नए सिलेबस से होगा। आपको नए सिलेबस पूरा डेप्थ में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, मटेरियल्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन पीडीएफ वगैरह, उनके सॉल्यूशंस, बहुत सारी चीजें जो फ्रेश बैच है उसमें मैं चर्चा करूंगा। साथ में इस वीडियो के कंटेंट को आप नोट डाउन, एक और स्कीम हम लोग प्लान कर रहे हैं और उसे लागू करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपने हमारे यहाँ चार्जेस देके एडमिशन लिया और किसी कारण से आपका पीटी क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो हम आपको किसी दूसरे बैच में एडजस्ट करेंगे। जो भी आपने पेमेंट किया है उस पेमेंट को माइनस करेंगे और आपके सपने को साकार करेंगे। तो लेकिन शर्त साथ में ये भी है, तब ऐसा भी नहीं कि आप एडमिशन लेके छोड़ दें, क्लासेस ना करें, टेस्ट ना दें, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप रेगुलर हैं तो ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने सहयोग समर्थन और सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। हमारी इस स्ट्रेटजी में कोई कमी है तो सीएलसी जुडिशियल आपका अपना इंस्टीट्यूशन है, हमें अपने सुझाव से हमारे कमियों को दूर करें। हमें कोई हमारी तारीफ करता वो बात उतनी अच्छी नहीं लगती। आप अगर इन सारे चीजों में अगर कोई कमियां हैं तो आप जरूर सुझाव दें, हम लोग उन कमियों को दूर करने का घट से घट मुमकिन प्रयास करेंगे, उसे लागू भी करेंगे। और ये वीडियो अंत में आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हो सके तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ताकि हर जरूरतमंद स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।